आइए आइए एक गीत बजा कौन सा। अरे भारे तू कहना ना भूल भूल भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर हो मिलती है तमाम चौपाइयां मिलती है तमाम संतों की वाणी अलग अलग पुस्तक मिलती है। कहना है राखी जी आदेश हो गया राखी जवाबी ना हो लेकिन अभी जवाबी लोग सब लोग सुनेंगे। यहाँ कार्यक्रम बहुत देर तक चलता है हर साल और क्या बनेगा 12 बजे तक। कहना कि जीवन जाए फल फूल फूल सम जीवन जाए फल फूल फूल सम पाके संग सुसंग जीवन जाए फल फूल फूल सम पाके संग सुसंग जैसे जीवन बन जाए सुन असूल माने पीड़ा। जब जीवन कांटा बन जाए जीवन में कांटे ही कांटे हो जाए तो जीवन बड़ा दुखदाई होता है। जीवन में सूल ही सूल हृदय में सूल चुभते हैं। जीवन बन जाए सूल सूल दे सूल माने पीड़ा दे जीवन बन जाए सूल सूल दे कारण अरे संग कुसंग जीवन बन जाए फूल फूल संपाके संग सुसंग और जीवन बन जाए सूल तो सूल दे मतलब पीड़ा दे कारण है संग कुसंग। जीवन जाए फल फूल फूल संपाके संग संगत वैसा गुण कहना है रागी जी। पहली संगति जैसे स्वाति एक नक्षत्र होता है स्वाति एक नक्षत्र होता है वो जब बरसता है बारिश होती है तो स्वाति का एक बूंद वही है मगर उसका प्रभाव देखिए अलग अलग भैया सुलेटा उर्फ बाबूलाल भैया जी की ओर से इतने सुमुद्र आए भैया को धन्यवाद है जय हो। स्वाति का जल स्वाति का बूंद तो वही है मगर अलग अलग प्रभाव देखे जैसी संगत वैसे गुण हो जाते उसमें। राखी जी स्वाति जल और क्या क्या बने स्वाति जल क्या क्या बने और पास में बने बंस लोचन पास में बने बंस लोचन और विषधर विषधर मुख जहर बने स्वाति जल क्या क्या बने। जैसे पास में गिर जाए तो बंस लोचन बन जाए स्वाति का बूंद सांप के मुख में गिर जाए तो विष बन जाए। इस संगत का फिर देखिए गोकर्ण में गोरोचन बने अगर गाय के कान में पड़ जाए तो गोरोचन बन जाए गोकर्ण में गोरोचन बने केला में कपूर सुहाए केला में गिर जाए तो कपूर बन जाए केला में कपूर सुहाए और सीप में मोती बने पपीहे की भी प्यास बुझाए।
गिर जाए तो मोती बन जाए, ले गुरु मोती बन जाए। और जो पपीहा पंछी होता अगर पपीहे के मुख में गिर जाए तो स्वाति का बूंद उसमें इतना कमाल है, माँ का वरदान है। पपीहा का जोड़ा नहीं होता है, वो अकेला होता है। स्वाति जब बरसता है जो बूंदे उसके चोंच में गिर जाती हैं, उसी से पपीहा गर्भ धारण करता, उसके बाल बच्चे पैदा होते हैं, परिवार बढ़ता है। हाँ और पारस पत्थर के छूने से जो कार्तिके चाय भट्टा वाले जी भैया, जैसे पारस पत्थर के छूने से जो लोहा स्वर्ण बने तो स्वाति जल क्या क्या बने। हनुमान जी जब लंका में गए, कहा हनुमान जी ने, हनुमान जी ने कहा अरे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख तो भक्ति है भाई साहब। ये बात क्या बात है, ये ठंडी नहीं लगेगी। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक क्या बात है। ये श्री सैयद प्रबंधक समिति लक्ष्मीपुरा कानपुर की ओर से ये प्रतिवर्ष हमें सम्मान मिलता है और बाबा के मजार की ये चादर हमें मिलती है। मैं इसे श्रद्धा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बाबा को सौ सौ सलाम हमारी ओर से है। जय हो, धन्यवाद है इस उपहार के लिए, पुरस्कार के लिए हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। कहना है हनुमान जी ने कहा कि सत्संग का प्रभाव जानते हैं, अरे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। संगत पाई पारस परस कुघात सुहाई कुघात सुहाई। जैसे हनुमान जी ने कहा कि चाहे स्वर्ग के सुख हो और चाहे अपवर्ग माने मोक्ष, स्वर्ग मतलब स्वर्ग मिल जाए या स्वर्ग के बाद जो मोक्ष मिल जाता है, तात स्वर्ग अपवर्ग माने मोक्ष सुख धरिए तुला एक अंग, एक तराजू पे स्वर्ग के सारे सुख मोक्ष के सारे सुख रख दीजिए और एक तरफ फिर भी अगर सत्संग को रख दिया जाए तो सत्संग के बराबर वो स्वर्ग और मोक्ष का सुख नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरिए तुला एक अंग, तो कहना और
फूल न ताही सकल मिली चोल अरे जो सुख लो सत्संग कहना इसलिए कि जीवन जाए फल फूल फूल सम पाके संग भैया सुरेशा भैया और बाबूलाल जी की ओर से ज्ञान बंद रहा है भैया को नमन कर रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी अरे संगत से गुण आए क्या बात है हमारे राजवीर यादव जी जो बहुत ही सुंदर कीर्तन कलाकार हैं भैया ये पुरस्कार बांस बरेली से चलकर आया है फोन के द्वारा हमारे संजय भैया जी को फोन किया आशीर्वाद मिला भैया जी को हृदय से धन्यवाद है क्योंकि हमसे छोटे हैं तो मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ आगे बड़े उन्नत करें अपने माँ बाप का नाम रोशन करें भैया जी कहना राखी जी अरे कहना है के संगत से गुण आए आए संगत से गुण जाए और कहते हैं बास थास और मिश्री एक ही भाव बिकाए संगत से गुण आए जैसे पानी दूध का संग पाकर ये है राखी जी लिखा है पानी दूध का संग पाके पानी दूध का संग पाकर वो दूध के भाव बिकाए पानी जब दूध का साथ कर लेता है तो भी दूध बन जाता है दूध के भाव बाजार में बिक जाता है ये संगत का असर होता है मगर कभी गोबड़ौरा कर भौरा का साथ कर ले तो कमल में बैठे को उसको मिलेगा अगर कहीं अगर भौरा गोबड़ौरा का साथ कर ले तो फिर समझो कहां लेके जाएगा जैसे पानी दूध का संग पाके वो दूध के भाव बिकाए और गंदा जल गंगा में मिलकर वो पावन हो जाए जैसे एक गंदा जल शहर का गंदा पानी जब गंगा नदी में उसको गिराया जाता है तो वो भी गंगा हो जाता है अभी अभी नाली का पानी अगर अपने माथे पे लगाने को कहा जाए कोई नहीं लगाएगा लेकिन वही पानी अगर गंगा में डाल दिया जाए तो सभी लोग माथे में लगाएंगे और वो गंगा की तरह पावन हो जाता है जैसे एक पापी आत्मा जब परमात्मा में जब वो विलीन हो जाता जब आत्मा विलीन हो जाती है तो आत्मा पवित्र हो जाती है ये आत्मा जब ईश्वर से मिल जाती है तो आत्मा पावन हो जाती है ऐसे ही गंदा जल गंगा जल में मिलकर पावन हो जाता है और लिखा है कि गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा कीचई मिले नीच जल संगा वही धूल जब हवा का साथ संगत कर लेती है तो आकाश को छूने लगती है आकाश में उड़ जाती है और वही धूल जब पानी का साथ कर लेती है तो कीचड़ बनकर के नाली में बह जाती है वही धूल और संगत कुसंगत का जो फर्क है साधु असाधु सदन सुखकारी साधु के घर में असाधु के घर में तोता होता है साधु असाधु सदन सुखकारी सुमिरे राम देह गनगारी जो साधु घर का तोता होता है वो राम राम कहता है और जो असाधु घर का तोता है वो गाली बकता है
चढ़े गगन हवा संग धूल जीवन जाए फल फूल फूल सम पाके संग सुख हो अगली बात देखिए कहना जैसे धुआं जलती है धुआं निकलता है दीपक जलता है धुआं निकलता है गोस्वामी ने लिखा है मानस में धूम कुसंगत कारिक होई लिखई पुराण मंज मस सोई वही कालिक अगर कुसंग का प्रभाव अगर पड़ता है उसी कालिक पे कुसंगत का असर होता है तो वो कालिक कहलाती है लेकिन वही कालिक अगर स्याही बना लिया जाए तो उससे पुराण लिखा जाता था अब तो डस्टबिन चलती है पहले स्याही बना करके पुराणों को लिखा जाता था लिखे पुराण मन जो मत सोई पुराण लिखा जाता था आंखों में काजल बना लिया जाए यहाँ लगा दो तो कालिक यहाँ लगाओ तो काजल हो जाएगा एक जगह का फर्क है कुसंगत और संगत का फर्क देखिए आंखों में कालिक को लगा लिया जाए तो काजल और गाल में लगा लिया तो कालिक हो जाएगा ओंठों पे लगा लो तो तिल हो जाएगा अरे धुआं सुसंग पवन जल अग्नि संग 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 बादल बन जाए और कालिक कुसंग वो कहलाए जैसे अरे नीम को सींचो घी गुड़ से पर और आगे जी किसी ने कह दिया है मानस में बात मिलती है एक सोठा मिलता है मूरख हृदय ना चेत जो गुर मिले बिरंज सम फूले फले न भेद जदप जलद बर जब जजत सुधा बरसे जलद चाहे रात दिन बादलों से अमृत की वर्षा होती रहे लेकिन कुछ ऐसे एक तरफ लिखा है सट सुधरे ससंगत भाई सट माने भी मूर्ख एक तरफ लिख दिया है मूरख हृदय न चेत कुछ ऐसे मूर्ख होते हैं जिसके अंदर सुधार ना आया है और ना आएगा जैसे नीम नीम का स्वभाव बन गया है इसको बचपन से अगर घी और गुड़ से सींचोगे मगर उसमें कड़वापन नहीं जाएगा सांप को दूध पिलाओगे उसका विष बढ़ता ही जाएगा काले पेंट में काले रंग में कोई भी रंग डाल दोगे वो काला ही हो जाएगा पीला डालोगे तो काला नीला डालोगे तो काला हो जाएगा क्या बात तो नीम को सींचो घी गुड़ से कोई सांप को दूध पिलाए पर के रमने उसका जहे ना जाए लेकिन रहीमदास ने बात को काटा भी कहा अरे कहा रही क्या नाम बता के गए नाम अच्छा क्या बात है भैया बाबू हलवाई जी की ओर से
एक और पद बनाए भैया खुद में हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना अरे कह रही उत्तम प्रकृति को आकर सकत कुसंग जैसे अरे चंदन विष व्याप अरे चंदन विष व्यापते नहीं चाहे लपटे राहत भुजंग पे अगर लगा दिया जाए तो फिर साथ कैसे संगत कैसे निभेगा। कह रहीम कैसे निभे यार बेर केर को संग अरे वे डोलत रस आपने तो उनके फाटक जीवन जाए फल फूल फूल सम पाके संग सुसंग एक भोजपुरी बजी। हाँ कौन से कि हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली परेशान ना हो मैं सुना दूंगा, सुना देंगे तो आप चले जाएंगे। मैं आपको रोकना चाहता हूँ कि आप जाए ना हमारे ये वाह आप हंसे हैं देखो, आपसे इतनी मोहब्बत है अभी सुना देंगे आप चले जाएंगे। देखो मुस्कुरा रहे हैं भाई, अब कम से कम मोहब्बत की बात तो रखिए। और क्या कि हमका दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल वाली। रखा अभी बोल रहे जा रहा स्टाइल वाली नो स्टाइल वाली ना स्टाइल वाली नो स्टाइल वाली ना एकदम लपकौआ कि एकदम लपकौआ चपकौआ और मोबाइल वाली कौआ चप कौआ और मोबाइल वाले कदम लप कौआ चप कौआ और मोबाइल वाले ना। राखी जी सुनेगा कहना है, रिश्तेदारी तो सभी अच्छी लगती है, ननिहाल भी अच्छा लगता है, मौसी मौसा भी अच्छे लगते हैं, सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन सभी रिश्तों में एक ऐसा रिश्ता एक ऐसी रिश्तेदारी जो सबसे अनमोल है। कैसे कहना कि प्यारी ससुरारी है सगरी रिश्तेदारी मैहारा के प्यारी ससुरारी है सगरी रिश्तेदारी मैं सारी रिश्तेदारी में ससुराल सबसे अच्छी लगती है। क्यों रिश्तेदारी मैं हाँ रिश्तेदारी मैं हाँ रिश्तेदारी मैं हाँ रिश्तेदारी मैं हाँ कि बने घरे जमाई हो बने घरे जमाई मस्त है मजेदारी मैया सजोरा रे है
ससुर सासे सास सासे सार सासे सरपोत सारी सरहाज सिंदूर सुहाग और जो भी है सब सब सास है के सास ससुर सारवा सरपोत सुंदर सरहाज सारी हाँ सुंदर सरहाज सारी हो सुंदर सरहाज सारी में राखी जी मैंने कह रहा हूँ एक पुस्तक आती घाघ भंडरी उसमें लिखा है कि ससुर के घर जमाई कुत्ता बहन के घर भाई कुत्ता अगर बस जाता है तो मतलब मेरे जाने आने से नहीं अगर कोई परमानेंट बाहर रहने लगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ और सौ कुत्तों का वो सरदार जो उन ससुरा बसे जमाई के द्वार बउआ कबाड़ी की तरफ से 21 रुपए सास ससुर अरे सास ससुर अरे सास ससुर सारवा सरपुत सुंदर सरहज सारी अरे प्रात हो तो ही पहुना पावे अगर ये है क्या बात है हमारे गुरुदेव आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री सनू दादा जी की ओर से सुरेंद्र सिंह जी की ओर से मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ आशीर्वाद के धन्यवाद है और 100 पत्र बधाएं हमारे कंचन गुरु जी उनकी ओर से है मैं हृदय से उनको प्रणाम कर रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद है और ये 100 पत्र बधाएं हमारे बड़े भैया सम्मान्य श्री घनश्याम तुफानी की ओर से उनको प्रणाम कर रहा हूँ नमन कर रहा हूँ आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ कहना सास ससुर सासुआ सरपुत सास ससुर सारवा सरपुत सुंदर सरहज सारी और जो लोग घर जमाई बन के बैठ जाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ अरे प्रात हो तो ही जैसे अरे भोर हो तो ही पहुना पावे चारों से गाली और जिसके बहनों लगे वो भी गाली दे रहा है जिसके फूफा लगे वो भी गाली दे रहा है जिनके जमाई लगे वो भी गाली दे रहा है जैसे हमारे मास्टर सुबह हुई कार्यक्रम चालू हमारे आनंद भैया भी ससुराल में ही रहते ये बात सुबह से शाम तक इनकी जो खातिरदारी होती है मैंने देखा है अपनी आंखों से इतनी गाली ये सुबह से शाम तक खाते हैं इतना खाना नहीं खाते और क्या तो राखी जी एक विशेष बात मैं ला रहा हूँ बात ससुराल में तो तमाम लोग रहते हैं लेकिन मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ कि छोड़ो दुनिया की ये बातें दुनियादारी मैहाना क्या बात है दुनियादारी मैहा हरि हर जी हरि माने विष्णु हर माने शंकर भगवान विष्णु भगवान शंकर भी आज भी ससुराल में ही रह रहे हैं हाँ बात कराऊं श्री हरि हर जी विराज रहे ससुरारी सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर ले ये
देखो नागिन डांस हो रहा है। ये देखिए सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर ले, तू हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर ले, मेरा दिल बेचैन मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। पुरस्कार मिले केले आपके लिए है। सुनिएगा सेहत के लिए अच्छा होता है। सुनिएगा आजकल का वो माहौल ऐसा माहौल बन गया है भैया जी, जैसे झूठ बोले तो जगपतिया जरा तुम कान कर लो, तो झूठ बोलता है लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जितने फेंको उतने अच्छा है। साचे को फांका पड़े लबरा लड्डू खाए, माखन गलियन में बिके मदिरा बैठ बिकाए, राम कर रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तुनका और कौवा मोती खाएगा। ले गुरु नमन भैया बाबू हलवाई से पूरा 21 नमन भैया को कहना, झूठ बोले तो जगपति आए जरा तुम कान कर लो, सच बोले तो महाराज आए जरा तुम ध्यान धर लो, तो कहना सच बोले तो महाराज आए जरा तुम ध्यान धर लो, तो बाणी बेचैन ये जीव ये बाणी बेचैन है, किसके लिए सत्य बोलने के लिए बेचैन है मगर बोल नहीं पा रही है, तो बाणी बेचैन है सत वचन के लिए, बाणी बेचैन है सत वचन के लिए, बाणी बेचैन है सत वचन के लिए, बाणी बेचैन है सत वचन के लिए। जैसे कुछ माताएं माँ ममता के खान होती है, तमाम कीर्तनकार गाते हैं कि अगर बच्ची पेट में आ गई तो भ्रूण हत्या करवा देते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, अगर बिटिया है पेट में, अब अगर बच्चा है लड़का है तो कहते हैं लड़का है तो आने दो, लड़की है तो जाने दो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ राखी जी, कुछ ऐसी माताएं हो गई इस समय कि लड़का होने पर भी उसे खत्म कर देती हैं, जैसे कहीं उल्टा सीधा कार्य हो गया, अम्मू अपना काला कैसे मुंह को छुपाने के लिए ऊपर काली घुस जाएगी, अपने पाप को छुपाने के लिए बच्चे को जन्म देती है, कहीं फेंक देती हैं आज भी। अरे वो कुछ माताएं हैं तो बच्चे को जन्म देकर गला दबा देती हैं, अपने ही बच्चे को गला दबा के मार देती हैं, उसे फेंक देती हैं, कुछ जिंदा फेंकती हैं, कुछ गला दबा के मार देती हैं। मेरा कहना कल में माताएं कुछ हो गई पूतना, कुछ माताएं अरे वो पूतना थी जो पराए बच्चों को मारती थी, मगर आज कुछ ऐसी माताएं हो गई जो अपने बच्चों को मार देती हैं, कहीं मुंह काला किया फिर अपने बाप को छुपाने के लिए। कल में माताएं कुछ हो गई पूतना, हे विधाता उन्हें दो कोई पूतना, हे विधाता तोड़ दो कोई पूतना, हे विधाता तोड़ दो कोई पूतना। और कुआरी मगरूर कुआरी भूल कर रही हैं, अपने पाप को छुपाने के लिए
तमाम कर्ण को इधर उधर फेंक देती हैं, कोई पाल लेता है, कोई भी राधा जैसी माँ मिल जाती है, कुंती फेंक देती है और राधे माँ पाल लेती है। तमाम इसमें कुंती घूम रही है, बहुत पाप बढ़ता जा रहा है। कुंवारी मगरूर कुंती हुई लापरवाह, और कर्ण को रोज कहीं फेंक देती है, कहीं जल में प्रवाहित कर देती है। कर्ण को कर रही रोज जल में प्रवाह, कर्ण को कर रही रोज जल में प्रवाह, कर्ण को कर रही रोज जल में प्रवाह। वाणी बेचैन है सतवचन के लिए, वाणी बेचैन है सतवचन के लिए, वाणी बेचैन है सतवचन के लिए। आजकल कहना है कुंवारी मगरूर कुंती हुई में परवाह, कर्ण को कर रही रोज जल में प्रवाह। तो आजकल के माता पिता, माता पिता परेशान है, माता माता जो माता है वो रो रही है, मारो माता रोती है बेटा श्रवण के लिए, माता रोती है बेटा श्रवण के लिए, माता रोती है बेटा श्रवण के लिए, माता रोती है बेटा श्रवण के लिए। आज की मां रो रही है कि मुझे श्रवण जैसा बेटा क्यों नहीं मिला, और माता रोती है बेटा श्रवण के लिए, द्रौपदी रो रही है किशन के लिए। हाँ।